भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता का एक साल हो चुका है। भाजपा आज विजय संकल्प दिवस के रूप में मना रही है। जिला मुख्यालय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का अभिनंदन किया गया। बीजेपी के सभी मोर्चे की ओर से अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। माइक्रो डोनेशन कार्यक्रम के साथ ही लाभार्थी विशेष संपर्क अभियान, प्रथम मतदाता संपर्क अभियान का भी आयोजन हुआ। इसके अलावा जिम्मेदारी को निभाने का काम किया और आप ये देख रहे हैं कि राजस्थान में जो फसल जीत उसमें भी शीर्ष नेतृत्व सभी राजस्थान के कार्यकर्ताओं का और अभी आपने देखा किस तरह से मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान ने बातचीत की सीपी जोशी के साथ में, क्योंकि जश्न का माहौल फिलहाल देखने को मिल रहा है और इसी जश्न के बीच में तमाम कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ में, क्योंकि आज ही का दिन था जब सीपी जोशी के नाम की घोषणा कर दी गई थी, जिसके बाद भाजपा कार्यालय पर जश्न मनाया गया था और आज भी ठीक उसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। 23 मार्च 2023 को सीपी जोशी के नाम की घोषणा हुई थी। 27 मार्च 2023 को सीपी जोशी ने संभाली थी प्रदेश भाजपा की कमान। और लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज इसी तरह से जश्न मनाया जा रहा है, कई कार्यक्रमों का आयोजन भी हो रहा है। बीजेपी की तमाम कार्यकर्ता जिनमें उल्लास है, खुशी है, विजय संकल्प दिवस के रूप में आज के दिन को हंसी खुशी के साथ मनाया जा रहा है। ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं ये लाइव तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे किस तरह से उत्साह के साथ में आज के दिन को मनाया जा रहा है। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से होली स्नेहमिलन समारोह का भी आयोजन हुआ था और उसके बाद में अब एक रैली निकाली जा रही है और रैली में बड़ी संख्या में आपको युवा कार्यकर्ता नजर आ रहे होंगे, क्योंकि आज ही का दिन जब सीपी जोशी का नाम घोषित किया गया था जिसके बाद से ही जश्न का माहौल देखने को मिल रहा था। और देखिए बीजेपी के सभी मोर्चों की ओर से अभिनंदन कार्यक्रम। प्रथम मतदाता संपर्क अभियान का भी आयोजन हो रहा है और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान भी लाइव जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, अभी आप बातचीत भी कर रहे थे सीपी जोशी से, कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह है, एक साल पूरा हो चुका है। देखिए, एक तरफ सीपी जोशी का एक साल पूरा तो दूसरी तरफ भजन लाल सरकार के लगभग 100 दिन पूरे, तो सीपी जोशी को कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त तरीके से स्वागत किया है और कार्यकर्ता सीपी जोशी जैसे ही भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पहुंचे वैसे ही कार्यकर्ताओं ने अपना जोश और जुनून दिखाते हुए भव्य आतिशबाजी की है और गुलाल उड़ाई है और होली जो है वो भाजपा प्रदेश मुख्यालय में होली से ठीक पहले ही होली मनाई जा चुकी है। और इस कार्यक्रम में सर्वाधिक अगर खूबसूरत चीज ये दिखाई देती है कि ब्रज के रंग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ब्रज क्षेत्र से आए हुए कलाकार अपनी प्रस्तुतियां भी दे रहे हैं और साथ में ही नेताओं की ज्वाइनिंग का जो कार्यक्रम है वो अब शुरू ही होने वाला है। जो आज नेता ज्वाइन कर रहे हैं उनका कार्यक्रम अभी थोड़ी देर में ही शुरू हो जाएगा और ये जो कार्यक्रम है ये हालांकि 2 बजे होना था लेकिन चूंकि सीपी जोशी को आने में थोड़ा विलंब हुआ, उनका एयरपोर्ट पर भी भव्य स्वागत किया गया है। तो अभी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि सीपी जोशी को देखते हुए कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और कार्यकर्ताओं ने उन्हें सड़क पर ही रोक लिया।
बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से काफी पहले ही वो गाड़ी से उतरे और उतरकर पैदल चल दिए। हालांकि कुछ लोगों ने आज फिर उनके पक्ष में नारेबाजी करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने खामोश किया। उन्होंने कहा कि नारेबाजी सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ही की जाए, तो प्रधानमंत्री मोदी के नाम से जबरदस्त नारेबाजी यहाँ पर भाजपा प्रदेश मुख्यालय में की गई। प्रधानमंत्री मोदी अब की बार 400 पार, इस तरीके से भी नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। तो ये जो दृश्य है ये सीधे सारे लोग लाइव देख पा रहे हैं और अभी कुछ ही देर में ज्वाइनिंग का कार्यक्रम है ये शुरू हो जाएगा। अच्छा ऐश्वर्या, क्योंकि एक साल हो चुका है, इन एक सालों के अंदर उनके कार्य पर जरा रोशनी डालेंगे। देखिए सीपी जोशी के जो एक साल के कार्य हैं, इनमें इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इनके नेतृत्व में चुनाव यहाँ पर हुए। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं तो नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष का होता है, तो उनके नेतृत्व में चुनाव हुए। सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि यह है कि पार्टी में जो खेमेबाजी जैसी बातें आती थी कि ये इस खेमे से ये इस खेमे से, मुख्यमंत्री को लेकर कई तरीके के चेहरे सामने आते थे, उन सभी बातों पर विराम यहाँ लगा। उन्होंने सभी खेमों को साधने की कोशिश की और अमूमन एक कोशिश की गई उनके अध्यक्ष बनते ही उनका नाम लोगों ने चलाया कि अब इनके नेतृत्व में या इन्हें कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, क्या सरकार बनने पर क्या मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे क्या। उन सारी बातों को उन्होंने दरकिनार किया, इनकार किया और उन्होंने कहा कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उनको पहला साफा मैं पहनाऊंगा और पहला साफा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को सीपी जोशी ने ही पहनाया। हालांकि बाद में सीपी जोशी ने भी साफा नहीं पहनने की सौगंध ले रखी थी। बाद में भजन लाल शर्मा ने भी सीपी जोशी को बड़प्पन दिखाते हुए उनको साफा पहनाया। लेकिन और सीपी जोशी की दूसरी एक बड़ी उपलब्धि यह है कि सभी खेमों को साधने के साथ ही जो एक खेमा था जो नाराज हमेशा होता था, तो उनकी नाराजगी को दूर की और सभी को एकजुट करने का प्रयास किया। और तीसरी सबसे अहम बात यह है कि सरल है, सहज है और विनम्र है, ये इनकी खास खूबी है। हालांकि हर प्रदेश अध्यक्ष में अपनी एक खूबी होती है, कोई भी किसी भी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष बनता है, लेकिन सीपी जोशी किसी युवा मोर्चा अध्यक्ष पर रहे, अध्यक्ष पद रहते हुए सांसद बने, फिर सांसद बनने के बाद बहुत जल्दी पार्टी ने इन पर भरोसा किया और इस भरोसे पर इन्होंने खरा उतरने के प्रयास किए और इस भरोसे पर खरा उतरते हुए सीपी जोशी जो है वो अब प्रदेश के अध्यक्ष है। और ये जो आज का दृश्य है जहाँ पर अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ी संख्या में पुष्प वर्षा यहाँ पर की गई है। महिला मोर्चा की महिलाओं ने पुष्प वर्षा की और उन्होंने पुष्प वर्षा करते हुए उन्हें अंदर लेकर गई और वो अंदर तक गए हैं और अंदर जाने के बाद अब ज्वाइनिंग का कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। आप देख रहे होंगे ज्वाइनिंग का कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है और यहाँ पर अब ज्वाइनिंग करवाई जाएंगी। सीपी जोशी अब यहाँ से सीधे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लेकिन आज का जो दृश्य है, बड़ी भारी संख्या में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भीड़ आई हुई है और ऐसे लग रहा है कि जैसे कि एक उत्सव हो और होली का उत्सव आज यहाँ मनाया जा रहा है। अमूमन लंबे अरसे बाद इस तरीके का दृश्य भाजपा प्रदेश मुख्यालय में दिखाई दिया है। जिस दिन भाजपा की सरकार बनी थी उसके बाद अब और होली के मौके पर इस तरीके का पहला आयोजन मुझे लगभग कई वर्षों में दिखाई दिया कि होली के आयोजन पर इस तरीके का आयोजन है। अभी की आप तस्वीर देख रहे हैं, सीपी जोशी मंच पर आने वाले हैं और अब ज्वाइनिंग्स का जो कार्यक्रम है ये बस शुरू ही होने वाला है और अब ज्वाइनिंग पार्टी में होगी। एक एक करके जो नेता है वो स्टेज पर जाने को तैयार है। बिल्कुल ऐश्वर्य, क्योंकि देखिए तीन मौके हैं। पहला ज्वाइनिंग करवाई जा रही है, जो परिवार है वो बढ़ रहा है बीजेपी का। दूसरा जो होली का कार्यक्रम है वो भी जोरों शोरों से जारी है। और तीसरा सीपी जोशी को एक साल हो चुका है, तो वाकई में तस्वीरें खास देखने को मिल रही है। इस वक्त दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को, जहां पर हर तरफ सिर्फ जश्न का माहौल है, हर एक कार्यकर्ता के चेहरे पर सिर्फ खुशी है। ऐश्वर्य देखिए यहाँ का ये दृश्य आप देख पा रहे हैं, ये इस बात की खुशी है कि आज होली तो है ही, दूसरा सीपी जोशी का एक वर्ष पूरा हुआ है और तीसरा उन कई लोगों की घर वापसी हो रही थी जो निर्दलीय चुनाव लड़ने चले गए थे और लड़ने के बाद उनको पार्टी ने निष्कासित किया था और निष्कासित करने के बाद अब उनकी वापस से घर वापसी हो रही है। एक एक करके नाम पुकारा जा रहा है और इस पूरी फहरिस्त में आप देख पाएंगे कि अच्छी खासी संख्या में जो नेता है वो मौजूद है। और बिल्कुल ऐश्वर्य, अभी जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं इनको जरा समझाएं क्या आप।
देखिए यहाँ पर एक नहीं एक अनेकों लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस तरीके की भीड़ जो है ये इससे पहले जिस दिन अलवर क्षेत्र से या पूरे राजस्थान से अलवर से सर्वाधिक थे जो लोग आए थे उस दिन भी इतनी भीड़ प्रदेश कार्यालय के ये जो बड़ा कक्ष है जहाँ पर ज्वाइनिंग जैसे कार्यक्रम होते हैं वहां पर थी। और आज जो ये भीड़ है ये वैसी ही भीड़ है, अच्छी खासी भीड़ है। और यहाँ पर अब मुझे लगता है कि आगामी दिनों में एक और कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम में भी इसी तरीके की ज्वाइनिंग्स जो हैं वो करवाई जाएंगी। एक बार और ज्वाइनिंग का कार्यक्रम यहाँ पर चलेगा और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ज्वाइनिंग के कार्यक्रम होते ही रहेंगे। अच्छा ऐश्वर्य, जो जो जिन जिन नेताओं के घर वापसी हो रही है उनसे भी आपने बातचीत की, अन्य पार्टियों से जो लोग बीजेपी में आ रहे हैं उनसे भी आपने बातचीत की, यानी कि बीजेपी में लोग आना चाहते हैं, इसकी मुख्य वजह क्या समझी जाए? देखिए प्रधानमंत्री मोदी एक वैश्विक नेता हैं, इस बात को बीजेपी के नेता हमेशा बोलते हैं। बीजेपी के नेता कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियां हैं उनकी वजह से इतनी बड़ी ज्वाइनिंग्स होती है, इतने बड़ी संख्या में लोग बीजेपी पर विश्वास करते हैं। आज मुस्लिम कम्युनिटी के भी अच्छी खासी संख्या में लोग यहाँ पर थे और होली उत्सव में शरीक हुए हैं, तो ये भी एक अद्भुत दृश्य देखने लायक था। तो यहाँ पर आज की जो एक खूबी है वो यही दिखाई दे रही है, दिखाई देती है कि एक एक करके जो ज्वाइनिंग है ये कुनबा जो बढ़ रहा है। तो राजनेताओं को, नेताओं को एक खूबी होती है, वो जानते हैं कि मौसम किस तरफ चल रहा है, तो कई बार ज्वाइनिंग होती है तो यही मौसम दिखाने की कोशिश कांग्रेस भी करती है। कांग्रेस भी यही कोशिश करती है कि वो भी दिखाए कि उनके साथ भी लोग हैं, ऐसी भाजपा कोशिश करती है। लेकिन रिजल्ट के बाद पता चल पाएगा कि कौन कितना बेहतर तरीके से ज्वाइनिंग में शामिल हुआ है, शामिल होने के बाद अपने आप को प्रूव कर पाया है पार्टी में। तो पार्टी में ये जो क्रम है ये लगातार चलता रहता है। और आज की एक बात और बताऊंगा कि कई लोग ऐसे थे जिन लोगों को लेकर लगता था कि वो लोग पार्टी में कब आएंगे, लेकिन उन लोगों में जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जितेंद्र मीणा है, वो एसपी मोर्चा के अध्यक्ष रहे, राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे, बस्ती से टिकट मांग रहे थे, टिकट कटा, निर्दलीय खड़े हुए, तो अब उनकी भी भाजपा में वापस एंट्री करा दी गई है। ऐसे ही मुकेश गोयल हैं, कोटपुतली से लड़े, निर्दलीय लड़े, इससे पूर्व में कोटपुतली में वो हार गए थे, टिकट उन्हें इस बार नहीं मिला तो उनकी नाराजगी रही, नाराजगी के मद्देनजर उन्होंने भी ताल ठोक दी, उन्हें भी 34-35 हजार वोट मिले तो वो भी भारतीय जनता पार्टी वापस से ज्वाइन कर रहे हैं। जालम सिंह रावलोट हैं, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे करके जो विधायक हैं, चंद्रवान सिंह आख्या आज खुद यहाँ मौजूद है, वो भाजपा को समर्थन देने के लिए आए हैं। चंद्रवान सिंह आख्या की तस्वीर भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आज सीपी जोशी से एक वर्ष पूरे होने पर जो उत्सव है उसमें भी वो बाहर भाग लिए, और उत्सव में भाग लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी को जो ऋतु बनावट है या फिर हालांकि यहाँ रविंद्र सिंह भाटिया दिखाई नहीं दिया और भी कई निर्दलीय है दिखाई नहीं दिए, कई कुछ एक निर्दलीय आए हैं जिनमें चंद्रवान सिंह आख्या है, ऋतु बनावत है, जीवाराम चौधरी है, गणेश बंसल है, ये विधायक आपको आज इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ का ये दृश्य भी अच्छे खासे तरीके से दिखाई दे रहा है। और सीपी जोशी कुछ देर बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, और दोनों के दोनों लीडर और तीसरी विजय राहत कर ये सभी चुनाव केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है उसमें मौजूद रहेंगे। राजस्थान के जो बाकी के बचे टिकट है उन पर फैसला होना है, उस फैसले में वो खुद भी शामिल होंगे। जी बिल्कुल ऐश्वर्य, आपसे कितनी देर में सीपी जोशी रवानगी लेने वाले हैं यहाँ से? देखिये सीपी जोशी कुछ ही देर में यहाँ से रवाना हो गए। बिल्कुल ऐश्वर्य, और ये तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिस तरह से आप जानकारी भी दे रहे हैं कि आज खास दिन इसलिए भी है क्योंकि तीन बड़े मौके हैं। पहला मौका सीपी जोशी जिनको एक साल हो चुका है, ऐसे में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। ऐश्वर्य हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कई नेता, कई विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं उनका फूल गुलदस्ता लेकर के। देखिए अभी का पहला अपडेट मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दिल्ली पहुंच गए हैं, काफी देर हो गई उनको यहाँ से रवाना हुए, और थोड़ी देर बाद वो अपना जो कार्यक्रम है दिल्ली में बैठक है, बैठक में शरीक होंगे। हालांकि बैठक शाम को है, उससे पहले वो कुछ नेताओं के साथ मंत्रणा, मुलाकात और चर्चा करेंगे। और सीपी जोशी का चूंकि ये कार्यक्रम कार्यकर्ताओं ने रख लिया था, अलग अलग मोर्चों और पदाधिकारियों के द्वारा ये आयोजित किया जाना था,
तो इस कार्यक्रम में सीपी जोशी ने उनके आग्रह पर इस कार्यक्रम में आना उचित समझा और अब इस कार्यक्रम में भाग लेकर वो सीधे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और उसके बाद जो है आज का दिन महत्वपूर्ण होगा क्योंकि बाकी की जो सीटें हैं उन सीटों पर अब बातचीत होगी कि कौन कौन चेहरे हैं जिन्हें मौका दिया जाएगा, उन चेहरों का भी पता लग सकेगा। अच्छा ईश्वर, एक खास बात ये देखने को मिलती है कि जो जो निर्णय लिए गए हैं राजस्थान में अभी तक आलाकमान के द्वारा, उसमें अगर किसी को संतुष्टि नहीं भी होती तो भी वो संतोष हो जाता है, और ये कमाल है नेतृत्व का। देखिए बड़ी बात है कि नेतृत्व यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का ही है और प्रधानमंत्री मोदी ही एकमात्र ऐसा चेहरा है जिनके नेतृत्व को सभी लोग स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि सीपी जोशी ने थोड़ी देर पहले इनकार कर दिया था जब उनके पक्ष में नारे लोग लगा रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि आप मेरे पक्ष में नारे ना लगाएं, आप नारे लगाएं तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में लगाएं। तो वो जानते हैं कि पार्टी बड़ी है और पार्टी में एक चेहरा है जो सबसे बड़ा है, वो नरेंद्र मोदी है, और यही कारण है कि आज के भव्य कार्यक्रम चल रहा है। मेरे सहयोगी संजय सिकरवार है, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सीपी जोशी का स्वागत करने वाले लोग मौजूद हैं और ज्वाइनिंग वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। चंद्रवान सिंह आकाश, ये तस्वीर दिखाइए, ये टीवी पर ये तस्वीर दिखाइए, चंद्रवान सिंह आकाश जो है वो सीपी जोशी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। देखिए सियासत में कुछ चीजें ऐसी होती है जो सियासी मैसेज देती है, ये तस्वीर महत्वपूर्ण, दिखाइए इस तस्वीर को जहाँ पर चंद्रभान सिंह आक्या सीपी जोशी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और आज उन्होंने खुद सीपी जोशी का स्वागत किया है। और इसीलिए कहा जाता है ऐश्वर्य, राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कई रंग राजनीति में देखने को मिलते हैं, और इसलिए ये सबसे पहले तस्वीर हम दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर जिसमें तमाम चेहरे नजर आ रहे हैं। और कुछ जानकारी देंगे ऐश्वर्य, क्योंकि कई नेताओं की वहां पर मौजूदगी है, कई चेहरों की मौजूदगी है। देखिए ये जो आज की तस्वीर है सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है जब चंद्रभान सिंह आचार्य जोशी के साथ बिल्कुल बराबर से खड़े हुए हैं। एक एक आदमी को, एक एक व्यक्ति को टीम में है उनको बीजेपी ज्वाइनिंग करवाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ पर विजया राहटकर भी है, विजया राहटकर उनके पास में खड़ी हुई है और इसमें एक बड़ी भूमिका निभाने वालों की अगर हम बात करते हैं तो पूरे कार्यक्रम में बड़ी भूमिका जो निभाई है वो खुद भजनलाल शर्मा ने निभाई। भजनलाल शर्मा सीट के प्रयास थे, कुछ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी चाहते थे कि इस तरीके से एक तस्वीर आए। तो आज की ये महत्वपूर्ण तस्वीर है कि सीपी जोशी के साथ चंद्रभान सिंह आक्या है वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और इसमें बड़ी भूमिका रही। श्रीचंद्र कपलानी ने भी इसमें भूमिका निभाई और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इसमें भूमिका निभाई। हालांकि विचार परिवार की को लेकर बातचीत चलती है लेकिन विचार परिवार में क्योंकि आरएसएस को लेकर लोग भले ही बात करें लेकिन आरएसएस सामाजिक संगठन है, लेकिन ये जो लोग सारे आए हैं ये सारे लोग ऐसे लोग हैं जिनमें जो विचार परिवार में खास भूमिका रखते हैं, जैसे ऋतु बनावत है, गणेश बंसल है, ये इनका विचार जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। ऋतु बनावत इनके पति ऋषि बंसल है, वो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तो ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हो जाती हैं जब इस तरीके से ज्वाइनिंग होती है। तो ये तस्वीरें लगातार फर्स्ट इंडिया न्यूज पर, तो दूसरी तरफ भजनलाल शर्मा है, वो भजनलाल शर्मा यहाँ से दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब प्रेमचंद बैरवा है और दिया कुमारी है, वो दोनों के दोनों वो भी मौजूद रहेंगे। आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि अभी कार्यक्रम में प्रेमचंद बैरवा भी खड़े हुए हैं, चंद्रभान सिंह आक्या भी है और अभी ज्वाइनिंग का कार्यक्रम है, ये सतत चल रहा है। ज्वाइनिंग जो है वो लगातार यहाँ पर चल रही है, ज्वाइन करवाया जा रहा है इसके बाद ही, और ज्वाइनिंग के बाद अब यहाँ से मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम में आज शाम भी हो जाएगी, ये लंबा चलने वाला है कार्यक्रम क्योंकि बड़ी भारी संख्या में आज यहाँ ज्वाइनिंग करवाई जा रही है। बिल्कुल। अच्छा ऐश्वर्य, क्योंकि जी देखिए एक चीज है, राजनीति में स्थायी दोस्ती स्थायी दुश्मनी नहीं होती, राजनीति हमेशा मौके की होती है, मौके पर जो फैसला ले लिया जाता है वो सर्वोपरि होता है। तो यहाँ पर मौके पर यह फैसला लिया गया कि कैसे भी करके ज्वाइनिंग करवाई जाए क्योंकि यहाँ पर अभी ये सभी लोग एक मिशन को लेकर चल रहे हैं और वो मिशन है कि 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, और इसी मिशन को लेकर जब ये काम करेंगे क्योंकि सभी लोग जानते हैं इस मिशन के तहत जब काम करेंगे तो
एक मैसेज दे पाएंगे एकजुटता का कि पूरी पार्टी एकजुट है। यही कारण आप देख पा रहे हैं कि हालांकि कई कार्यकर्ताओं की फोटो ठीक से नहीं आ पा रही है क्योंकि भीड़ अच्छी खासी है, बड़ी भारी संख्या में भीड़ है, तो ऐसी भीड़ में जब फोटो की बात आती है तो फोटो ठीक से नहीं आ पा रही क्योंकि धक्का मुक्की चल रही है कि बीजेपी का एक पूरा हॉल है, पूरा फुल अचानक भर चुका है, बाहर की तरफ भीड़ है, चाहे अलग अलग मोर्चों के लोग हों या दूसरे लोग हों वो यहाँ पर आपको दिखाई दी जाएंगे। अच्छा ऐश्वर्य, क्योंकि ज्वाइनिंग हो रही है लगातार, हर एक कार्यकर्ता के चेहरे पर एक हंसी है, खुशी है और आंखों में एक उम्मीद है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है एक उम्मीद देता है हर एक कार्यकर्ता को कि आपको मौका जरूर मिलेगा और वो मौका कभी भी मिल सकता है। ये तस्वीरें देखने को भी मिली है कई बार। देखिए यहाँ पर इन लोगों को जो ज्वाइनिंग उन्होंने ली है अमूमन ये हर बार की एक समस्या आती है, बीजेपी के कुछ नेताओं का कहना होता है कि सिर्फ ज्वाइन करने वाले नेताओं को बुलाया जाए, भीड़ को ना बुलाया जाए, लेकिन नेता अपने साथ 10-10-20 लोगों की जो भीड़ लेकर आते हैं तो पूरी की पूरी बड़ी भीड़ यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी बड़ी भीड़ है और ये भीड़ जो आपको दिखाई दे रही है ये नेताओं के साथ आए लोग हैं और शिद्दत से यहाँ पर गर्मी भी पड़ रही क्योंकि लोगों की इतनी भारी भीड़ है तो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा ही क्योंकि मुझे याद आता है जिस दिन भगन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बने तो इसी हॉल में इतनी भीड़ थी कि शायद पैर रखने को जगह नहीं थी और तेज ठंड के दौर में थी लोगों के पसीने की वजह से गर्मी की वजह जी। और बिल्कुल ऐश्वर्य, क्योंकि मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं, ऐसे में इंतजार किया जा रहा है कि जल्द ही जब ये कार्यक्रम खत्म होगा, हालांकि आप कह रहे हैं कि इसमें समय लग सकता है, उसके बाद में सीपी जोशी भी रवानगी ले लेंगे दिल्ली की ओर। क्या लग रहा है ऐश्वर्य, जो मिशन 25 राजस्थान के लिए रखा गया है अभी तक कितना सफल होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए मेरे साथ विजेंद्र पुनिया भी जुड़े हैं, मैं विजेंद्र पुनिया को फोन पर जोड़ता हूँ आपके साथ कि विजेंद्र पुनिया कुछ कहेंगे जो पार्टी के प्रदेश मंत्री है। विजेंद्र, ये जो आज ज्वाइनिंग हो रही है इसे लेकर आप क्या कहेंगे? भाजपा के लिए आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, गोपाल सिंह जी इडवा ने आज पार्टी ज्वाइन की है और ये आज आप हुजूम देख सकते हैं कार्यालय में, कार्यकर्ताओं का उत्साह देख सकते हैं, बीजेपी ज्वाइन करने के लिए होड़ लगी हुई है, भाजपा के विचारधारा से जुड़ने के लिए कार्यकर्ताओं की होड़ लगी है और ये परिणाम है राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और राजस्थान में कमल खिलेगा 25 सीटों पर। तो प्रदेश मंत्री विजेंद्र पुनिया को आपने सुना, विजेंद्र पुनिया ने भारतीय जनता पार्टी की 25 की 25 सीटें जीतने की बात कही है, तो यहाँ पर लोगों में इस बात का होश है और इस बात को लेकर बेहद खुश है जी। तो आप देख पा रहे हैं कि अभी का जो दृश्य है वो अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे रही है, अल्पसंख्यक तबके के लोग भी बहुत सारी संख्या में ज्वाइन कर रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं और इसके अलावा अभी मैं जितेंद्र मीणा जो है जिन्होंने ज्वाइनिंग की है उनसे बातचीत करवाता हूँ। जितेंद्र मीणा जो बस्ती से निर्दलीय लड़े थे, जितेंद्र क्या कहोगे आज आप इस मौके पर टेलीफोन पर आज जुड़े हुए हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज? देखिए ये जो भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता परिवार है, कहीं कहीं राष्ट्र को मजबूत करने के जो आने वाला चुनाव है लोकसभा का चुनाव उसको मजबूती देने के लिए पूरे भारत में ही मोदी जी के नेतृत्व स्वीकारा, इसके लिए हजारों हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं। बिल्कुल ऐश्वर्य, देखा जा सकता है बड़े जोश के साथ में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, हर एक कार्यकर्ता जो कि इस उम्मीद के अंदर है कि 25 में से 25 सीट जो लक्ष्य रखा गया है वो लक्ष्य